अभी अपनी 13 तारीख है आज। 13 तारीख को रजिस्ट्रेशन जो थे इसके ख़त्म हो गए थे 8 तारीख को। 8 तारीख को पूरा फाइनल हो गया था, पेमेंट हो गया था। अब वापस से सीएलसी वाले के जो होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन चालू हुए हैं। बता देता हूँ मैं इस पर। ई प्रवेश इसकी ऑफिशियल है वेबसाइट। ये वाली जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें अंडर ग्रेजुएट वाले अलग हैं और पोस्ट ग्रेजुएट वाले अलग हैं। जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं यहाँ पर ये आएगा सूचित करने का इसको। ये करिए ठीक है। यहाँ से नीचे अगर अपन देखते तो इस पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अंडर ग्रेजुएशन वाले सीएलसी वाले वो 10 सितंबर से 16 सितंबर तक है। ठीक है, आज हो गई अपनी 13 सितंबर, 3 दिन और है। फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जब, बंदे का फॉर्म भी बता देता हूँ मैं। जब फॉर्म में क्या रहेगा, बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, रिजर्वेशन एंड वेटेज, क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो एंड साइन, मिसकंडक्ट डिटेल प्रिंट कर देना, उसके वजह से हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे अगर उन बेसिक डिटेल में जाते हैं तो इसमें क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश वर्ष 2003 से 2019 से। इसमें तो सीधा ही, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ ये आपकी डिटेलिंग पूछेगा कि हाँ ये डिटेलिंग भर के उसको लॉक करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, उस पर दूसरी बना देंगे। ठीक है, बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल ये सब भर के इसको आपको सेव और लॉक करना है। उसके बाद फील पे अनपेड लॉक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी फॉर्म करा होगा उसमें आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपना पासवर्ड मिल जाएगा। उसको डाल के आपको जो भी अमाउंट रहेगा रजिस्ट्रेशन का वो पे करना है और चॉइस लॉक करनी। चॉइस लॉक का मतलब कि जो भी कोर्स ले रहे हो वो लॉक करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग रिसिप्ट। चॉइस फिल कर ली, उसके बाद चॉइस फिलिंग की जो रिसिप्ट मिलेगी क्या है, ये आपने चॉइस फिल करी है उसकी रिसिप्ट प्रिंट कर लेनी। चॉइस फिलिंग फिर एडिट, अगर कोई गलती से किसी ने कुछ गलत चॉइस फिलिंग कर ली है तो उसको एडिट करना हो जाएगी। फिर एडिट चॉइस फिलिंग उसकी रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पर फिर ये 10 से 16 अब हो जाएगी। 3 से 16 क्या है, कोर्स वाइज ओपनिंग क्लोजिंग। ये जो होता है ये होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे कि अपन इसमें ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये तो बी कॉम ये हो जाएंगे 12। ठीक है, तो इसमें ये बताएगा आपका कि जो कॉलेज है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज पथेरिया, ये बी कॉम कॉमर्स, तो इसमें ये जो फर्स्ट रहती है इतने परसेंटेज में कितने परसेंट भर्ती हो गए, एक अलॉटमेंट हो गया। जनरली ये जो फीमेल की रहती है फर्स्ट, सेकंड रहती है जो टॉपर बच्चे होते हैं 70 से 47% के बीच में। सब कॉलेजेस की अलग अलग रेंज रहती है, इसमें से ये तो इसमें 4 अलॉटमेंट हो गए। ऐसे सर कैटेगरी के सब कितने अलॉट हो गए, ये उसका है। ये करने के बाद सब डन हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन के कुछ 3 से 6 दिन बाद एडमिशन फी मांगेगा, ये इसी पे भराएगी एडमिशन फी। बाद एडमिट हो जाओगे और जो भी इसमें चेक करना है कि हाँ हमारी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची, ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस, अपनी एप्लीकेशन आईडी, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के आप चेक कर सकते हो।
ये विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, उसकी डिटेलिंग थी पूरी। और दिक्कत हो तो कम